सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मी एंड मेरे टिप्स। आज मैं आपको काढ़ा पाउडर बनाकर स्टोर करने और कैसे अपने लिए काढ़ा तैयार करने करें दोनों ही बातें शेयर करने जा रही हूँ। इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में कैसे आप अपना कम समय में इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, इसी को मैं आज बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है, ये एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है मैंने। ये देखिए, ये पाउडर हल्दी पाउडर है, पिसी हुई हल्दी। और ये मैंने लिया है काली मिर्च एक बड़ा चम्मच। ये मैंने लिया है एक चम्मच गुड़। इसके बाद मैंने लिया है ये मुनक्का, 3 से 4 बीज निकाले हुए। इसके मैंने सारे बीज निकाल दिए हैं, मुनक्के को साफ कर लिया है। ये मैंने लिया है सौंठ का पाउडर एक बड़ा चम्मच। और उसके बाद मैंने लिया है ये दालचीनी, कम से कम 15 से 20 टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं मैंने। ये मैंने लिया है 10 से 15 तेज पत्ते, ये तेज पत्ते की सूखी पत्तियां हैं। और ये मैंने लिया है लौंग, लौंग मैंने एक बड़ा चम्मच। और ये मैंने लिया है 20 से 22 तक छोटी इलायची, जो हरी इलायची होती हैं वो मैंने लिया है। ये मैंने लिया है जॉली तुलसी 51, ये एक बहुत ही बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, श्वेत तुलसी और नींबू तुलसी का मिश्रण है। ये इन सभी चीज़ों का अर्क इसमें मिला हुआ है। ये 200 से ज़्यादा बीमारियों में लाभदायक है। ये एक बहुत बढ़िया एंटीटॉक्सिन है जो कि शरीर में से बेकार के पदार्थों को निकालकर आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है। इसके बाद हमने मिक्सी लिया है और मिक्सी में ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने अभी जो बताई थी वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दिया है। जिंजर पाउडर, हल्दी, मुनक्का, गुड़ को छोड़कर और सारी चीज़ों को, जैसे कि छोटी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च को पीस लेंगे। इसको मिक्सी में डाल के इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। इसमें हमें जिंजर पाउडर, हल्दी, मुनक्का और गुड़ को नहीं डालना है। इस तरीके से देखिए पीस के हमारा ये पाउडर तैयार हो गया है। ये काढ़े का पाउडर देखिए हमारा ये तैयार हो गया है। इसे हम मिक्सी से ऐसे निकाल लेंगे और इसी में हम ये हल्दी पाउडर और उसके बाद में ये जो आपको मैंने दिखाया था सौंठ का पाउडर, जिसे जिंजर पाउडर भी कहते हैं, इसको आपको मिक्स कर लेना है। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके, ये इस तरीके से सारे मिक्स करके इसको आप एक साफ छोटी सी डिब्बी में ऐसे भर के रख लें। ये देखिए, ये काढ़े का पाउडर हमारा तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप एक लोगों के लिए अगर काढ़ा आपको बनाना है तो आपको कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है। उस तरीके से आप जितने ज़्यादा लोगों के लिए बनाएं उस हिसाब से क्वांटिटी आप बढ़ाती जाएं। मैंने यहाँ एक गिलास पानी लिया है। पानी जब उबलने लगे तो आधा चम्मच से भी कम देखिए इस पाउडर को इसमें डाल लेना है। इस तरीके से जब पानी उबल रहा हो तो इसी में मैंने जो 3 से 4 आपको मुनक्का दिखाया था बीज निकाल के, ये 3-4 मुनक्का को भी इसी में आप डाल लें। ये देखिए, अब इसके बाद में जो ये गुड़ मैंने एक चम्मच आपको दिखाया था, ये गुड़ को भी इसी में इस तरीके से मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट उबाल आने के बाद इसको आप छान लें। ये देखिए हमारा काढ़ा तैयार हो गया है। अब इसमें हम जॉली तुलसी 51 की कम से कम 5 से 6 बूंदें इसमें हम मिक्स करेंगे। इस तरीके से देखिए डाल दें और चम्मच की सहायता से इसको मिक्स कर दें। ये हमारा काढ़ा रेडी हो गया है पीने के लिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो दिन में एक बार जरूर इस काढ़े को पिएं। अगर आपको सिकनेस महसूस हो रही है तो कम से कम इसको दिन में 2 बार लें। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।